नमस्कार नाइन तक बिहार में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि विनोद जायसवाल ने MLC चुनाव में बाजी मार ली है। बताते चले कि काफी उतार चढ़ाव के बाद MLC प्रत्याशी विनोद जायसवाल ने अपनी जीत दर्ज कराई। बताते चले कि 700 से कुछ ज्यादा वोट से उन्होंने जीत दर्ज हासिल की है। MLC चुनाव की प्रक्रिया जिस दिन वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी उस दिन शाम में MLC प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान पर गोलीबारी हुई थी। उसके बाद से मामला काफ़ी गर्म हो गया था और सारे लोगों की निगाहें, जिलेवासियों की निगाहें इस पर टिकी थी कि आखिर कौन जीतता है। वहीं चुनावी मैदान में भाजपा, कांग्रेस, राजद और निर्दलीय कुल 8 प्रत्याशियों का भाग का फैसला आज होना था, किसी एक में का होना था 8 में। आज विनोद जायसवाल ने राजद कोटे से दर्ज हासिल की है। आइए बात करते हैं जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। और जीत के बाद सीधे पहुंचे हैं सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर और हिना साहब से मिलने, आशीर्वाद लेने। तो सीधी तस्वीरें हम भैया आपको हम दिखाएंगे। पदाधिकारी का CPI के जितने भी पदाधिकारी का तारकेश्वर यादव CPI के मैं आभार प्रकट करता हूँ। सभी मतदाता बंधु, जिला पार्षद, मुखियागण, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य एवं सिवान की सभी जनता, मीडिया प्रभारी, सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने इस चुनाव के दरमियान